बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जौनपुर में चुनाव प्रथम चरण में है। चार दशकों तक पंचायत चुनाव से लेकर सभी चुनाव में सीधे और दमदार दखल देने वाले सपा संस्थापक के सदस्य रहे पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद पारसनाथ का पिछले वर्ष 12 जून को निधन हो गया था। उसके बाद हुए उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री के ज्येष्ठ पुत्र और सपा नेता लकी यादव मलहनी ने उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए थे और पिता से राजनीति की हर रणनीति सीखे लकी यादव ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने छोटे भाई ओम यादव और उनकी पत्नी बरसट्ठी की प्रमुख अर्चना यादव को क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित कराकर सिद्ध कर दिया था कि ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी जबरदस्त है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री का गृह ब्लॉक बरसट्ठी है, जहां के लोगों का अपार स्नेह आशीर्वाद इस परिवार को हमेशा मिलता रहा है। पहले भी बरसट्ठी के निर्विरोध प्रमुख विधायक लकी की माता हीरावती देवी थी। उनके निधन के बाद छोटे भाई की पत्नी अर्चना यादव प्रमुख हुई थी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की भतीजी है। पूर्व मंत्री के पुत्र ओम यादव इस बार अपनी पारंपरिक सीट बरसट्ठी के लिए दमदार दावेदारी किए हैं और क्षेत्र में मजबूत पकड़ से प्रमुख की ताजपोशी तय मानी जा रही है। पिता के तहत बच्चे ने भी मलहनी विधानसभा और बरसट्ठी ब्लॉक से पारिवारिक रिश्ता बनाया है और बरसट्ठी से ही विधायक जी के छोटे भाई वेद की पत्नी 51 नंबर वार्ड से जिला पंचायत की सदस्य की उम्मीदवार। पूर्व मंत्री पारसनाथ जौनपुर के आसपास के जिलों में मजबूत पकड़ रखते थे और उनके साथ ही राजनीति सीखने वाले विधायक लकी यादव ने बेहतरीन प्रबंधन वे कुशल व्यवहार से लोगों में अपना भाव जगाया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में ये रंग क्या दिखाता है। आप देख रहे थे मीडिया हलचल। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।